Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back once again. And today we are going to discuss our question answer of chapter number 2, that is India's climate and natural resources. Okay. I know that I'm get delayed to post this, but somehow I managed to do it. And very soon I'm going to brought chapter number 3's question answer also. Okay. So without any delay, let's get started. So as you can see on your screen, it's a first question from a textbook. How is the climate near the sea coast of India? Okay, so यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इंडिया के सी कोस्ट के पास क्लाइमेट कैसा होता है. ओके, सो हियर इज योर आंसर. फर्स्ट पॉइंट, रीजन नियर द सी कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस लेस हीट एंड कोल्ड. सो उनको गर्मी भी कम लगती है और ठंडी भी कम लगती है, हीट भी कम होती है एंड कोल्ड भी कम होता है. जस्ट ए मिनट. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट, देर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द वेदर ऑफ समर एंड विंटर इन दिस रीजन. चाहे गर्मी हो या चाहे ठंड हो, यूजली यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. चलिए, दस ऑन द सी कोस्ट देर इज ए ह्यूमिड एंड मॉडरेट क्लाइमेट. ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और मॉडरेट होता है. मॉडरेट मीन्स इट्स अ नॉर्मल काइंड ऑफ क्लाइमेट, जो जिसमें ठंड भी होती है, जिसमें थोड़ी गर्मी भी लगती है और ठंड भी लगती है. ठंड इतनी भी नहीं लगती है एंड गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगती है. सो जो इंसान के लिए जो आइडल क्लाइमेट होता है वो होता है सी कोस्ट पे. ओके, एज यू कैन सी वेरी पार्ट मच पार्ट ऑफ द स्लाइड इज रिमेनिंग ब्लैंक बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी बिग वन. एंड हियर इट इज, हाउ डू द 3 सीजन्स अफेक्ट योर डेली लाइफ. सो आपके जो 3 सीजन्स हैं, बेसिकली दे आर विंटर, समर एंड मानसून. ओके, एंड ये आपकी लाइफ को क्या क्या मतलब इफेक्ट करते हैं, डेट यू आर सपोज टू आंसर इट. सो फर्स्ट आई हैड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड डिवाइडेड दिस आंसर इनटू 3 पार्ट्स. एज यू कैन सी विंटर, समर एंड यू विल एबल टू सी एट द डाउनवर्ड ऑफ माय इमेज मॉनसून आल्सो. सो हियर इज योर फर्स्ट पॉइंट, आई वेयर वुलन क्लोथ्स इन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड. सर्दियों के मौसम में हम क्या करते हैं, हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना. अभी तो मैंने ठीक है नॉर्मल शर्ट पहनी है. अगर इफ देयर इज अ विंटर देन मैं इसके ऊपर स्वेटर पहनता या जैकेट पहनता. ओके, पॉइंट नंबर 2, आई लाइक टू वेयर कलरफुल ड्रेसेज इन दिस सीजन. सो हम लोग हैवी कपड़े भी पहन सकते हैं और बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनते हैं. ओके, सो ये सीजन ही कुछ ऐसा है. पॉइंट नंबर 3, आई ईट वेराइटी ऑफ मिल्क, घी एंड ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड, कैजूनेट, ग्रेप्स, फिग एक्सेट्रा. सो ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स वी लाइक टू ईट, एंड सबको फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए, प्लस मिल्क से बनी हुई चीज़ें भी कंज्यूम करनी चाहिए. आई लव टू फ्लाई काइट्स. ठीक है, पतंग उड़ाना सबको तो पसंद नहीं है, बट आई पर्सनली इंजॉइंग इट. सो ये भी सब लोग करते ही हैं, क्योंकि मौसम इतना गर्म नहीं होता है तो आप लोग पतंग उड़ा सकते हो. एंड ऑफकोर्स उत्तरायण भी इसी सीजन में आता है. आई स्लीप आफ्टर रैपिंग द ब्लैंकेट. बड़े बड़े कंबल रजाइया ले लेके ही हम लोग सोते हैं, ब्लैंकेट ले लेके सोते हैं ताकि ठंड ना लगे. ऐसे कोई नहीं सो सकता. सो दिस इज योर विंटर सीजन एंड इट इज़ माई पर्सनल फेवरेट ऑल्सो. चलिए आगे बढ़ते हैं समर सीजन पे, गर्मियों का मौसम. वेल, आई वेयर कॉटन वाइट क्लोथ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट. इसमें यूजली हम लोग क्या पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं एंड डेट इज ऑफ द वाइट कलर. वाइट कलर क्या करता है, सन की हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है. सो हमको इतनी गर्मी नहीं लगती है. ओके, आई मेनली वेयर शॉर्ट्स एंड अ टी शर्ट इन दिस सीजन. तो यूजली हम लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, ठीक है, एंड टी शर्ट्स ही पहनते हैं क्योंकि बहुत लाइट वेट होती है तो हमको कंफर्टेबल फीलिंग करवाती है. ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं. आई टेक चपाती विद वीट, वेजिटेबल पल्सेस, राइस, कर्ड, बटर मिल्क इन फूड. तो यूजुअली हम लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, जितना हम लोग विंटर में खाना खाते हैं हम लोग लाइट खाना ही खाते हैं. एंड इसमें भी चपाती जो वीट से बनी हुई, या तो कुछ सब्जी ले लो या फिर कोई दाल ले लो, राइस, कुछ लोग तो राइस भी खाते हैं. एनीवन, छाछ तो जरूरी है, कर्ड यानी दही एंड बटर मिल्क यानी छाछ. ओके, तो ये सब हम लोग यूजुअली गर्मियों के मौसम में कंज्यूम करते हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है. आई एंजॉय ईटिंग मैंगो जूस, श्रीखंड एंड आइसक्रीम. ओके, मैंगो जूस तो सबको पसंद है, एनी हाउ मुझे भी पसंद है. श्रीखंड भी कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं, अवॉइड करते हैं. एंड इवन आइसक्रीम तो सबकी फेवरेट है. ओके, पॉइंट नंबर 5, आई एट स्वीट मेलन एंड वाटर मेलन इन द इवनिंग. तो यूजली हम लोग स्वीट मेलन या वाटर मेलन कंज्यूम करते हैं इवनिंग में. आई स्लीप ऑन द टेरेस और ओपन कंपाउंड ऑफ द हाउस इन दिस सीजन. सो यूजली
ये स्टंट आप लोग नॉर्थ इंडिया में नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पर यूजुअली कई कुछ कुछ जगहों पे मच्छरों का यानी मॉस्किटोज़ का इश्यूज रहता है, बट यूजुअली पानी सूख चुका होता है, बहुत कम होता है, तो मच्छर ही बहुत कम हो जाते हैं। सो हम लोग ओपन में खुले में सो सकते हैं, और यूजुअली सिंगल लेयर ऑफ कपड़े पहन के ही करते हैं, और कुछ लोग तो शायद ओढ़ते भी नहीं हैं। सो गर्मी इतनी होती है रात को भी। एनी हाउ, मानसून की बात करते हैं। आई यूज़ रेनकोट एंड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। ओके, सो बरसात से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो रेनकोट का यूज़ करेंगे या फिर अम्ब्रेला का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई ईट हॉट एंड फ्रेश फूड इन दिस सीज़न। इस सीज़न में आपको ना खाना ताज़ा ही खाना चाहिए, क्योंकि एटमोसफियर में क्या होता है, बैक्टीरिया और मॉस्किटो बढ़ जाते हैं। इस टाइम पे अगर आप लोग बासी खाना खाओगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, ठीक है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो आपको डॉक्टर के यहाँ पे भी विजिट लेनी पड़ सकती है। तो गर्म खाना खाओ और हॉट खाना खाओ, ठीक है, फ्रेश खाना खाओ ऑफकोर्स। आई एंजॉयिंग गेटिंग जामुन। जामुन तो क्या बात है, मज़ा आ जाती है खाते हैं, ठीक है। एंड आई फिक्स मॉस्किटो नेट ऑन द कोट व्हेन आई स्लीप एट नाइट। और रात को जो सोते हैं तो मच्छरदानी डाल के सोते हैं, या कुछ लोग क्रीम लगा लेते हैं। वेल, पर्सनल चॉइस आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया नॉट यूजफुल एज ए वाटरवे। वाटरवे क्या होता है? वाटरवे यानी आप अपनी एज मतलब उसमें बोटिंग कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि नदी आगे जाती है, फिर वो नीचे की तरफ कोई झरना बन के गिर जाती है। सो उसको एज ए वाटरवे यूज़ नहीं कर सकते साउथ इंडिया में। तो रूट्स ऑफ सम रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया आर इन द माउंटेन विच हैव लो हाइट्स। तो यूजुअली जो साउथ इंडिया की जो रिवर्स निकलती है ना, उनके जो पहाड़ हैं वो इतने बड़े नहीं हैं। सो देयर इज अ लेस वाटर इन इट एंड एक्सेप्ट द ड्यूरिंग रेन मानसून सीजन। तो मानसून सीजन की बात छोड़ दें तो उनमें यूजुअली पानी बहुत ही कम होता है, कम दिखा गया है। दे आर ड्राइड इन समर, एनीवन गर्मियों के मौसम में ये नदियाँ सूख जाया करती हैं। दिस रिवर फ्लो फ्रॉम द अनइवन एरियाज ऑफ प्लेटो। तो जहाँ से फ्लो करती है वो जगह बहुत ही ऊपर नीचे होती है। दस देयर वाटर फ्लो स्पीड इन द सी। तो उसका जो पानी का जो फ्लोइंग पैटर्न है वो बहुत ही स्पीड में होता है। इन द फ्लोइंग वे ऑफ द रिवर देयर इज हाई एंड स्ट्रेट स्लोप्स। कुछ कुछ जगह बहुत ऊंचाई से मतलब पानी आता है, फिर गिरता है, फिर हो जाता है, फिर गिरता है। तो ऐसे में आप कहाँ बोटिंग करोगे, करो भी गए तो बुढ़ाम। देयर फॉर वाटरफॉल आर फॉर्म्ड एट मैनी प्लेसेस। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी ऊपर से हाइट से गिरता है उसको हम लोग वाटरफॉल कहेंगे। बिकॉज ऑफ दिस द रिवर ऑफ साउथ इंडिया आर नॉट यूज एज वाटरवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी स्वीट क्वेश्चन। वेयर आर लेक्स लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ पर लेक्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले स्टेट्स के नाम लिखे, उस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा लेक है, वो लेक में उस लेक की स्पेशलिटी क्या है। या तो वो लेक मीठे पानी का होगा जो मतलब पीने लायक होगा, या फिर सॉल्ट वाटर लेक होगा या जो मतलब जिसमें खारा पानी होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा दाल लेक और वुलर लेक, एंड ऑफकोर्स इन दोनों लेक का जो पानी है वो फ्रेश है। टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश, यू विल फाइंड कोलेरू लेक एंड इट इज़ अगेन अ फ्रेश वाटर लेक। टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु, इट्स अ पुलिकट लेक एंड इट्स अ सॉल्ट वाटर लेक। उड़ीसा चिलिका, अगेन सॉल्ट वाटर लेक। राजस्थान सांभर, सॉल्ट वाटर लेक। बट गुजरात नल सरोवर, पार्टली सॉल्ट वाटर। तो कहीं कहीं पर उसमें खारापन आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं पर वो पानी मीठा भी हो जाएगा। तो आप कुछ कह नहीं सकते। एनी हाउ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चंस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तो मिनरल्स तीन टाइप के होते हैं। इट कैन बी आइदर मेटेलिक मिनरल, सेकेंड और इट कैन बी आइदर नॉन मेटेलिक मिनरल, इट कैन बी पावर जनरेटिंग मिनरल्स, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया एंड दे आर इज अंडर। सो फाइव टाइप्स के फॉरेस्ट हैं, एंड यू विल सी नंबर वन एवरग्रीन फॉरेस्ट, नंबर टू डेसीडियस फॉरेस्ट, नंबर थ्री द टाइडल एंड द मैनग्रोव फॉरेस्ट, नंबर फोर कनीफरस फॉरेस्ट, एंड नंबर फाइव
द थ्रोनी फॉरेस्ट. ओके एंड नाउ मूविंग टूवर्ड द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डेट इज द राइटर शॉर्ट नॉट ऑन द विंटर्स इन इंडिया. तो अब हम लोग बात करेंगे विंटर्स की, जो ठंड का मौसम होता है और जो मेरा फेवरेट है. ओके सो फर्स्ट पॉइंट, इंडिया एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर इन दिसंबर जनवरी एंड फरवरी. इसमें कुछ याद करने वाली बात है, इंडिया में जो वेदर होता है कोल्ड वेदर होता है विंटर का, वो दिसंबर जनवरी फरवरी में होता है. इसमें आप क्या याद करोगे बताओ. ओके यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर ऑल्सो. सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू द स्लैंटिंग रेस ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर टेम्परेचर फॉल. सन की रेस थोड़ी स्लैंटिंग होती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आती है, तो इसलिए क्या होता है टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है. नंबर थ्री, प्लेसेस इन द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लाइक द शिमला एंड दार्जिलिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर. तो जो कुछ नॉर्थ के पार्ट है और कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के पार्ट है, जैसे कि शिमला हो गया दार्जिलिंग हो गया, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही मतलब ठंड होती है. एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कैन बी माइनस ऑल्सो. नंबर फोर, मैनी अ टाइम्स द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 5 degrees Celsius विच रिजल्ट इन द स्नोफॉल एट टाइम्स. तो टेम्परेचर इधर कई बार 5 degrees Celsius से भी नीचे चला जाता है, एंड जब भी ऐसा होता है स्नोफॉल होती है. ओके पॉइंट नंबर फाइव, इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन द सदर्न इंडिया एज इट इज़ कंपेरेटिवली नियर द इक्वेटर. इक्वेटर के पास में होने के कारण साउथ इंडिया में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है. ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट नोट के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज द मॉनसून इन इंडिया. ओके नाउ पॉइंट नंबर वन, मॉनसून इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सीजन इन इंडिया. सो इंडिया की पूरी इकोनॉमी ही लगभग मॉनसून पे डिपेंड करती है. इवन हमारे फार्मर्स कितना क्रॉप ग्रो करेंगे ये भी मॉनसून पे ही डिपेंड होता है. सो मॉनसून जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन बन जाता है. इट लास्ट फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. सो जून जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर, ये 4 महीने जो होते हैं ये मॉनसून सीजन के होते हैं. इंडिया रिसीव अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ. तो इन्हीं मंथ में हमारी जो इंडिया में 80% बरसात हो जाया करती है. ठीक है नंबर फोर, द विंड ब्लो अक्रॉस द अरेबियन सी एंटर इंडिया थ्रू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. अरेबियन सी से और या फिर यू कैन से बे ऑफ बंगाल से भी, मतलब जो एयर करंट आते हैं हवाएं आती हैं, और जब ये हवाएं समुद्र के ऊपर से आती है ना, तो यूजुअली इनके अंदर मॉइस्चर होता है जो अपने साथ बहुत ज़्यादा बरसात लाती है. डेट रीजन रिसीव मोर देन 300 centimeters ऑफ रेनफॉल. सो दे आर सेइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है. ऑफकोर्स होगी, क्योंकि यहाँ पे जितना आप समुद्र किनारे के पास में रहोगे यू विल फाइंड मोर रेनफॉल. ओके चलिए पॉइंट नंबर सिक्स पे चलते हैं. द विंड ब्लोइंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेनफॉल टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक द वेस्ट बंगाल आसाम मेघालय एक्सेट्रा. और ये तो थी हमारी अरेबियन सी की हवा जो आती थी मालाबार कोस्ट से, लेकिन जो बे ऑफ बंगाल से जो हवा आती है वो यूजुअली वेस्ट बंगाल आसाम और मेघालय में बहुत ज़्यादा बरसात करती है. द रिट्रीटिंग मानसून विंड ब्रिंग रेनफॉल टू पंजाब हिमाचल एंड उत्तराखंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर. एंड जब जाते आते जो मॉनसून सीजन होता है ना, उस टाइम पे भी बरसात होती है, स्पेशली पंजाब हरियाणा एंड उत्तराखंड में. ओके सो आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर डेट इज क्वेश्चन नंबर 9. एंड ये आंसर बहुत छोटा है, यू विल फाइंड ओनली 11 points. आई रिपीट ओनली 11 points. सो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है. स्टेट द वेराइटीज एंड द स्पेशलिटीज ऑफ द एनिमल ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. तो हमको इंडिया में जितने अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं, हमको उनकी स्पेशलिटी भी बतानी है और वो इंडिया के किस पार्ट में पाए जाते हैं. सो बेसिकली आपका ये जो आंसर है ना, आपका एक पूरा मतलब दिमाग में नॉलेज अपडेट कर देगा कि इंडिया में कहाँ पर कौन से एनिमल्स हैं. ओके स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, एलिफेंट आर फाउंड इन कर्नाटका केरला एंड असम. सो इन स्टेटों में आपको एलिफेंट मिल जाएगा. इट इज द लार्जेस्ट मैमल ऑफ इंडिया. सो इंडिया में सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, ऑफकोर्स एलिफेंट है. दे यूज टू कैरी वुड एंड अदर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉरेस्ट.
ये एक जगह से दूसरी जगह पे आपकी जो लकड़ियाँ होती है उसको उठा के ले जाने में हेल्प करते हैं। ओके इसके अलावा सेकेंड पॉइंट ऑल्सो देर द वन हॉर्न डायनासोर्स फाउंड इन इंडिया इज अ यूनिक एनिमल दे आर फाउंड इन द मेसी एरिया ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि काऊ के बफेलो के और बाकी जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके दो सिंग होते हैं, बट एक स्पेशल टाइप का एनिमल होता है जिसको सिर्फ एक सिंग होता है और उसको हम लोग कहते हैं राइनो, राइनो शॉर्ट में कहते हैं बट राइनोसोरस उसका पूरा नाम है। ये अपनी टाइप का एक यूनिक एनिमल है और ये सिर्फ आसाम और वेस्ट बंगाल के मैसी एरिया जो दलदली इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आया करता है इन इलाकों में आपको राइनो ईजिली देखने को मिलेगा। सो मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ थर्ड पॉइंट द वाइल्ड एस इज फाउंड इन द रण ऑफ कच्छ एंड केमल्स इन द डेजर्ट एरिया। वेल ये कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। ओके एंड यहाँ पर आपको वाइल्ड एस एनिमल देखने को मिल जाएगा, एनिमल रेगिस्तान में आपको केमल भी इजिली देखने को मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर फोर बोथ लायन एंड टाइगर आर फाउंड इन इंडिया। एसेटिक लायन आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। सो इंडिया ही पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लायन और टाइगर दोनों एनिमल पाए जाते हैं और वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में। टॉकिंग अबाउट लायन, जो एशिया का जो लायन है वो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। ओके चलिए पॉइंट नंबर फाइव पे चलते हैं। लायन के बारे में बहुत बात हो गई, टाइगर के बारे में बात करते हैं। द टाइगर ऑफ द वेस्ट बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर आर वन ऑफ द 8 स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। टाइगर आर फाउंड इन मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल उत्तराखंड एंड इन सम एरियाज ऑफ हिमालयस। टाइगर्स की बात करें ना तो जो बंगाल का जो टाइगर है जिसको रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है, ये टाइगर की 8 स्पीसीज 8 अलग अलग प्रजातियों में पाया जाता है। तो टाइगर के भी अलग अलग मतलब स्पीसीज होते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल उत्तराखंड में और हिमालयस के एरियाज में भी टाइगर पाए जाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर सिक्स तिब्बतियन बियर आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन एंड इन द डेडियापाड़ा फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। तो तिब्बतियन बियर हैं वो एक तो आपको हिमालय पे भी मिलेंगे और दूसरा गुजरात के डेडियापाड़ा फॉरेस्ट के आसपास भी पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर सेवन द लेपर्ड हाइनास ब्लू बुल जिसको नीलगाय कहा जाता है, ब्लू मतलब नील होता है ठीक है, एंड वुल्फ बक ब्लैक बक डियर एक्सेट्रा आर फाउंड इन इंडिया। तो लेपर्ड हाइना और नीलगाय ये भी मतलब इंडिया के जंगलों में पाए जाते हैं, स्पेशली वुल्फ ब्लैक बक एंड डियर ऑल्सो। नाउ पॉइंट एट इज ऑल अबाउट द मंकीज। तो मंकियों के भी अलग अलग स्पीसीज होते हैं, अगर आप लोग केयरफुली ऑब्जर्व करो ना कुछ मंकी के फेस ब्लैक होते हैं, कुछ मंकी के फेस पिंक होते हैं है ना। तो यूजुअली द लंगूर द गिबन हुलॉक एंड द बबून आर द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मंकी फाउंड इन इंडिया। तो आप लोग इसको गूगल करके चेक कर सकते हो कि लंगूर कैसा दिखता है, गिबन कैसा दिखता है, बबून कैसा दिखता है एंड हुलॉक कैसा दिखता है। ओके सो लेट्स मूव अहेड एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर। ओके नाउ अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स आर सीन इन इंडिया। इंडिया में भी बर्ड्स की बहुत सारी अलग अलग किस्में देखी जाती हैं, द डक ईगल पैरोट कॉमन मैना पिजन मैना एक्सेट्रा आर द वेरियस स्पीसीज ऑफ द बर्ड फाउंड इन इंडिया। तो ये सब बर्ड्स इंडिया में देखने को मिलती हैं। द मोस्ट फेमस बर्ड द पिकॉक द नेशनल बर्ड इज मोस्टली ब्यूटीफुल बर्ड ऑफ ऑल, इट्स अट्रैक्टिवनेस इज ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फैदर। तो अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें तो पिकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड भी है ये सबसे बर्ड्स में अपना एक यूनिक पोजिशन रखता है क्योंकि इसके पास सबसे यूनिक चीज़ है डेट इज कॉल इज इट्स ब्यूटीफुल फैदर एंड जिसकी वजह से ये बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगता है। ओके नाउ टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर टेन क्रेन एक एनिमल है 1.5 मीटर टॉल एंड इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर जिसको हम गुरड़ कहते हैं विच आर द हैवीएस्ट बर्ड ऑफ इंडिया। तो ये कुछ भारी भरकम बर्ड्सों में इनका नाम आता है एंड अदर अट्रैक्टिव बर्ड्स ऑफ इंडिया। द रूडी सेल डक शुक्रब जिसको बोलते हैं ले देयर एग्स इन द सैन ऑफ रण ऑफ कच्छ। तो रण की मिट्टी में ये जो बर्ड है शुक्रब ये अपने अंडे देता है। द केलोदेव बर्ड सेंचुरी ऑफ राजस्थान इज द वर्ल्ड बिगेस्ट सेंचुरी वेर ऑलमोस्ट
2.5 लाख बर्ड्स आर फाउंड। तो जो केलोल देव सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर, ये सबसे बड़ी सेंचुरी मानी जाती है। यहाँ पे 2.5 लाख बर्ड्स पाए जाते हैं जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं। द नल सरोवर ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर बर्ड्स विच इज माइग्रेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा नल सरोवर भी फेमस है। नाउ फिश ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ लाइक मार्कल, लॉबस्टर, बॉम्बे डक, पॉफेट, हेरिंग, सैलमॉन, डा शार्क, डॉल्फिन एक्सेट्रा आर फाउंड इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। सो ये आपकी बेसिकली जो फिशेज हैं ये आपको पाई जाती हैं। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। बाय एवरीवन।